SCO समिट में। पाकिस्तान की बात करें, यहां पर समिट के शुरू होते यहां पर बद इंतजामी देखी गई। फोटो सेशन के मौके पर पाकिस्तान की खीज खुलकर सामने आई और जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं वो खड़े हुए थे और झंडे को बाद में लगाया गया। पाकिस्तान में SCO समिट की शुरुआत के साथ ही जो इंटरनेशनल बेइज्जती है पाकिस्तान की वो खुलकर सामने आई है। फोटो सेशन के मौके पर किस तरीके से पाकिस्तान की खीज इस दौरान देखी गई है, प्रोटोकॉल की धज्जियां इस बीच उड़ाई गई पाकिस्तान में। पाकिस्तान में SCO समिट की शुरुआत और किस तरीके से यहां पर इंटरनेशनल बेइज्जती का सामना पाकिस्तान को करना पड़ा उसकी एक बड़ी तस्वीर सामने आई है। देखिए SCO समिट के शुरू होते ही भारी बद इंतजामी वहां पर देखी गई है। ये बड़ी तस्वीर इस वक्त आपके सामने। फोटो सेशन के दौरान पाकिस्तान की खींच को समझिए, देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर खड़े हुए थे और झंडा बाद में वहां पर आता है। पाकिस्तान में प्रोटोकॉल की धज्जियां सरेआम उड़ाई जाती हैं और ये दर्शाने के लिए कहने के लिए काफी है किस तरीके से SCO समिट की शुरुआत के साथ पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती की एक बड़ी तस्वीर आपके सामने है। प्रोटोकॉल का किस तरीके से पालन नहीं किया गया और प्रोटोकॉल की धज्जियां सरेआम उड़ाई गई हैं। ये फोटो सेशन का मौका था और उस दौरान किस तरीके से पाकिस्तान की खींच खुलकर सामने आती है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर खड़े होते हैं और झंडा उनके बाद वहां पर लाया जाता है। देखिए ये तस्वीर आपको जी न्यूज दिखा रहा है। बद इंतजामी और प्रोटोकॉल की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई हैं इस तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि यही पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती है। SCO समिट के आगाज के साथ बद इंतजामी की एक बड़ी तस्वीर यहां से सामने आ रही है। पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंच जाते हैं, फोटो सेशन का मौका होता है, प्रोटोकॉल की अनदेखी होती है और भारी बद इंतजामी की तस्वीर यहां पर आप देख पाएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर यहां पर पहुंचे हुए हैं फोटो सेशन के मौके पर। SCO समिट के आगाज के साथ ही इस मौके पर सारी कंट्रीज के फ्लैग्स आप देख पा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत के जो हैं वो वहां पर पहुंचते हैं और उनके पहुंचने के बाद में झंडा यहां पर आता है। पाकिस्तान में प्रोटोकॉल की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई और उसकी एक बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। Zee News.